आपको पता है कि क्रिश 3 मूवी में जब एरोप्लेन का जब लैंडिंग गियर नहीं खुलता है तो कैसे क्रिश हवाओं में उड़कर आता है और लैंडिंग गियर खोल देता है और सबकी जाने बच जाती है। लेकिन ये तो फिल्म की बात है, एक्चुअली इसके आधार पर एक रियल घटना भी हुआ है। और क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी जी का जो एंटेलिया हाउस है उसकी कीमत कितनी है? आज इस वीडियो में ऐसे फैक्ट्स जानने वाले हो कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, व्हाट। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि स्नेक लैडर्स जो सांप सीढ़ी का गेम है किस देश में सबसे पहले शुरू हुआ था? एक्चुअली में ये सबसे पहले इंडिया में शुरू हुआ था और धीरे धीरे करके सारी दुनिया में फैल गया। फैक्ट नंबर 4, इस दुनिया में अलग अलग तरह के हीरा पाया जाता है लेकिन वह बहुत रेयर होते हैं। लेकिन टैंजनाइट नाम का एक ऐसा स्टोन होता है जो कि अमेरिका में किली बंजार में पाया जाता है और ये स्टोन रेयर के मामले में हीरा से 10,000 गुना ज्यादा रेयर होते हैं। फैक्ट नंबर 3, स्नैपचैट के लास्ट 1 घंटे में जितना फोटो अपलोड हुए हैं, सिर्फ लास्ट के 1 घंटे के फोटो को आप एक एक करके देखोगे तो देखने में 10 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। कितना फोटो अपलोड होता होगा यार। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी का हाउस एंटेलिया दुनिया का सबसे महंगा हाउस में से एक है और इसकी कीमत 100 करोड़ नहीं, 1,000 करोड़ नहीं, 5,000 करोड़ भी नहीं, यानी 1 बिलियन यानी 6,000 करोड़ रुपये उस घर की कीमत है। फैक्ट नंबर 1 जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं तो दिल से थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए और आप हमारे चैनल के पहले मेंबर होंगे जो आप हमारे वीडियो को देखेंगे। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि क्रिश 3 मूवी जैसा एक रियल घटना हुआ था, जैसे क्रिश 3 मूवी में एरोप्लेन के साथ हुआ था। दरअसल कुछ दिन पहले नेपाल के बुध एयरलाइन के एक प्लेन जो कि काठमांडू से विराटनगर के लिए उड़ान भरती है तो लेकिन विराटनगर रनवे जाने से पहले ही पायलट को पता चलता है कि प्लेन का लैंडिंग गियर फुल नहीं रहा तो पायलट घबरा गए कि प्लेन को लैंडिंग कैसे कराया जाए। तब पायलट को सूचना मिलता है कि फिर रिटर्न प्लेन को जहां से प्लेन आई है वहीं ले जाया जाए और काठमांडू के जो त्रिभुवन एयरपोर्ट है वहां के सारे प्लेन को सीज कर दिया गया और प्लेन को फ्यूल खत्म होने तक पायलट आकाश में प्लेन को राउंड राउंड घुमा रहा था ताकि प्लेन को क्रॉस लैंडिंग कराने पर प्लेन में आग न लगे। प्लेन स्लो मोशन होने के बाद प्लेन को लैंडिंग कराने के लिए एक बार फिर से पायलट लैंडिंग गियर खोलने की कोशिश की और गॉड की दया से लैंडिंग गियर खुल गया और सभी लोग बच गए। इसे कहते हैं करिश्मा।